दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है जो अपने अनवांटेड हेयर यानी अनचाहे बालों से परेशान है। ये रेमेडी बहुत ही काम का है, इससे आपके स्किन पर जो भी मोटे मोटे बड़े बड़े बाल हैं ना उसे आसानी से रिमूव कर सकती हैं और इसे बिना केमिकल का बनाएंगे। खास बात इसकी ये है, अगर हम वैक्स वगैरह कराते हैं तो बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, स्किन काला पड़ जाता है, स्किन पर छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, रैसेस हो जाता है, मगर इसे आप ट्राई करके देखिएगा, ये 100% वर्क भी करेगा और मैं आपको इसका लाइव रिजल्ट भी दिखाऊंगी। और बहुत ही बढ़िया काम करता है फ्रेंड। इसे कैसे इस्तेमाल करना है, इसे कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है, इसे बनाकर स्टोर कर सकते हैं कि नहीं, और ख़ास बात इसकी ये है कि इसे कब लगाना है जिससे ये ज़्यादा असरदार रहेगा। तो फ्रेंड चलिए केमिकल वाले वैक्स को छोड़िए, एक बार इसे ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा, ये बहुत ही बढ़िया काम करता है और इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले एक क्लीन बाउल लेंगे जिसमें हम रेमेडी को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है कोलगेट। फ्रेंड जो कोलगेट रहता है ये हमारे दांतों को तो क्लीन करता है, स्वस्थ रखता है, साथ ही साथ ये हमारे स्किन को भी बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है। इसके कई सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको पिंपल्स हो जाता है, जैसे सुबह में आपको पार्टी में जाना है और रात में पिंपल्स आ गया, तो उस जगह पर अगर कोलगेट को लगा कर 2 घंटे के लिए छोड़ देंगी, उसके बाद फेस को धो लेंगी तो आपका पिंपल्स गायब हो जाएगा। बस आप उसी जगह पर लगाइएगा, इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा आपको दिखाया जो हम अपने किचन में रखते हैं, रेगुलर इस्तेमाल करते हैं खाने में, और ये है बेकिंग पाउडर। तो फ्रेंड दोनों का कलर एक ही जैसा रहता है, मगर इसके बॉक्स से आप पहचान लेंगी कि ये बेकिंग पाउडर है, और जो पाउडर रहता है ना ये ज़्यादा ही स्मूथ रहता है, एकदम पतला रहता है, मगर कलर वाइट ही रहेगा जैसा कि बेकिंग सोडा का रहता है। तो हमें यहाँ पर बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है जो हम केक वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने बेकिंग पाउडर को रख दिया है साइड में। अब हम लेंगे खाने वाला सोडा जो हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, जिसे खाना सोडा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच खाना सोडा ले लिया है। फ्रेंड जो सोडा है ना इसे आधा छोटा चम्मच ही इस्तेमाल करिएगा, और आधा छोटा चम्मच मैंने कोलगेट भी लिया है, तो दोनों की क्वांटिटी आपको बराबर ही रखनी है। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड अगर आपके होंठ बहुत ज़्यादा काले हो गए हैं या लिपस्टिक लगाते लगाते आपके होंठ से पपड़ी जैसा निकल रहा है, तो आप कोलगेट से थोड़ा सा मसाज कर लें 5 से 10 मिनट के लिए, उसके बाद धो लीजिए। बहुत ही बढ़िया से आपका जो लिप्स है ना अच्छे से क्लीन हो जाएगा और जो पपड़ी है वो भी हट जाएगा। अब इसमें मैंने थोड़ा सा आधा छोटा चम्मच नींबू का रस डाल दिया है। नींबू का रस जो रहता है ये ब्लीचिंग का काम करता है, तो आप नींबू का रस ज़रूर से इस्तेमाल करिएगा। इससे आपका स्किन बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा और जितना भी गंदगी रहेगा उसे भी रिमूव करेगा। तो अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। बहुत ज़्यादा नींबू का रस मत डालिएगा फ्रेंड, ध्यान रखिएगा सब चीज़ों का रेशो आपको बराबर रखना है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो सब चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पर मैंने इसे बनाकर साइड में रख दिया है। अब एक दूसरा क्लीन बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे पानी। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें थोड़ा सा ही पानी लेना है, करीब 4 से 5 चम्मच के करीब। अब इसमें एक और चीज़ डालेंगे जो हम अपने स्किन को क्लीन करेंगे, मतलब ये क्लींजर का काम करेगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा छोटा चम्मच नमक। अब नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड ये जो रेमेडी है ये बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है, और इसे आप तुरंत बनाकर तुरंत इस्तेमाल करें, इसे आप स्टोर नहीं कर सकती हैं। दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा, और ये सिर्फ बड़े लोग ही इस्तेमाल करेंगे। हाँ, मेल और फीमेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, चलिए इसको इस्तेमाल करके दिखाती हूँ। तो इस्तेमाल करने से पहले आपको उस जगह को अच्छे से क्लीन कर लेना है, बॉडी लोशन या फिर ऑयल वगैरह या फिर कुछ ऐसा ऑयली चीज़ नहीं लगा होना चाहिए आपके स्किन पर, आपने अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा, सोप से धो लीजिएगा। उसके बाद ना आप देख सकती हैं यहाँ पर कितने बड़े बड़े बाल हैं, और मैं आपको थोड़ा सा ही लगाकर दिखा रही हूँ। और अब क्या करेंगे ना, हमें ना इसे अच्छे से पोंछ लेना है इस पानी से, नमक वाले पानी से। नमक वाले पानी से पोंछने से ये होगा कि जो यहाँ का ऑयल वगैरह है वो तो निकल ही जाएगा, साथ ही साथ ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा, और नमक लगाने से जो हमारा बाल है ना वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है।
तो पहले नमक वाले पानी से इस तरीके से अच्छे से पोंछ लीजिएगा, उसके बाद इस जगह को सुखा लीजिएगा। जब ये सूख जाएगा उसके बाद हमें इस रेमेडी को लगाना है, तो इसे भी इस तरीके से एक बार मिला लीजिएगा, फिर आप इस तरीके से अप्लाई करिएगा। बस इस तरीके से आप थोड़ा सा मोटे लेयर में इसे लगाइएगा, मतलब थोड़ा सा थिक लगाइएगा, एकदम पतला लेयर नहीं लगाइएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये अच्छे से वर्क करे तो आपको ना इसे तुरंत बनाना है और तुरंत इस्तेमाल करना है, जिससे इसका असर आपको एकदम अच्छे से दिखेगा, पूरी तरीके से आपके अनवांटेड हेयर को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको खूब अच्छे से लगा लिया है। अब इसे हम छोड़ देंगे 8 से 10 मिनट के लिए, जितना आपके पास टाइम है वैसे कम से कम 8 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगा तो हमेशा की तरह लाइक कर दीजिएगा, आप लोग भूल जाते हैं, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन यानी मैसेज आपको सबसे पहले मिले। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हो और आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे खुशी होगी। तो यहाँ पर देखिए 8-10 मिनट हो गया है, टोटल लगभग 10 मिनट हो चुका है, और मैंने यहाँ पर देखिए इसको रिमूव किया तो ये बहुत ही अच्छे से रिमूव हो गया, आप देख सकते हैं। मैं कैमरे में पूरी तरीके से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए जो बाल है ना वो काफ़ी हद तक टूट गए हैं, एक आध बाल रह जाएगा फ्रेंड, हो सकता है, क्योंकि ये होममेड रेमेडी है, ये कोई क्रीम नहीं है जो तुरंत आपके बालों को रिमूव कर देगा, मगर बहुत ही बढ़िया वर्क किया है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा ही जगह में लगाया था मगर वहाँ का बाल गायब हो गया है। तो फ्रेंड जब भी आपको इसे लगाना हो ना तो आप ना पहले एक बार टेस्ट कर लीजिएगा, मतलब थोड़ा सा अपने स्किन पर एक जगह लगाकर देख लीजिएगा, अगर अच्छे से वर्क करता है, आपको कोई रैसेस वगैरह नहीं हो रहा है, इचिंग नहीं हो रहा है, तो आप इसको यूज़ कर सकती हैं। अगर आपको रैसेस हो रहा है या यूज़ करने में आपको खुजली जैसा आ रहा है तो आप इसको मत यूज़ करिएगा, इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है, आप पानी से धो लीजिएगा, उसके बाद ना इस तरीके से फिटकरी के पानी को लगा दीजिएगा या फिर नमक वाले पानी को लगा दीजिएगा, इससे बाल का ग्रोथ वापस ज़्यादा नहीं आता है। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, यहाँ का बाल गायब हो गया है, थोड़ा बहुत रह गया है ये देखिए, तो मगर ये ना काम तो कर रहा है भाई, ये तो मैं बोलूँगी। और फ्रेंड इसे ना सिर्फ अपने हाथ पैर और पीछे गर्दन पर इस्तेमाल कर सकती हैं, फेस पर मैंने इसे इस्तेमाल नहीं किया है, तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप फेस पर इस्तेमाल करना, क्योंकि इसमें मैंने कोलगेट डाला है और बेकिंग सोडा और नींबू, जो हर किसी के फेस पर नहीं सूट करेगा, तो आप फेस पर इसे इस्तेमाल मत करिएगा। अगर आपके अपर लिप्स कान के साइड के बाल को हटाना है, उसके लिए आपको वीडियो चाहिए, तो मेरे चैनल पर आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, वहां पर जाकर आप देख सकती हैं, बहुत सारा वीडियो है। वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।